हेलो फ्रेंड्स तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अक्टूबर 2020 थर्ड एंड फोर्थ वीक के इससे पहले मैंने सेकेंड वीक के और फर्स्ट वीक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है अक्टूबर के वो डिस्कस किए थे तो मेरी वीडियो की जस्ट नीचे जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी तो उसके थ्रू भी आप जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो तो आइए हम शुरू करते हैं तो आज मैं आपको थर्ड वीक और फोर्थ वीक के एक साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फेस स्कैनिंग रिकॉर्गनाइजेशन को लागू करने वाला देश तो पहला देश कौन सा है तो दोस्तों ये क्या होगा कि फेस डिजिटल मतलब ऐसा प्रोवाइड किया गया है कि सिंगापुर में ये जो व्यवस्था लागू की गई है कि फेस स्कैन हो गया हो जाएगा है ना जैसे ना पहले अपने यहाँ पर क्या होता है कई देशों में कि फिंगरप्रिंट जो फिंगरप्रिंट के थ्रू स्कैनिंग होती है पर अब बैंकिंग वगैरह की जो व्यवस्था है या फिर डेटाबेस जो किया जाएगा वो फेस स्कैनिंग रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू किया जाएगा ठीक है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मदद द्वारा स्थापित मांग देशु जल परियोजना किस देश में बनाई जा रही है तो दोस्तों ये जो परियोजना बनाई जा रही है वो भूटान देश में बनाई जा रही है ठीक है अब इसका कारण क्या है कि ये जो ज, ज जल विद्युत परियोजना है इसके थ्रू भारत इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है भूटान का और आपको पता है कि देखा होगा मैप तो भारत और भूटान ज़्यादा दूरी पर नहीं है थोड़े से ऐसे लाइन पर है है ना तो ये मदद कर रहा है जिससे क्या हो सके कि अच्छा मतलब अच्छे संबंध भी बैठ, बैठ सके तालमेल के लिए और जल विद्युत जो है परियोजना विद्युत का अच्छा संचार हो सके ठीक है इधर से उधर पहुंच सक पहुँच सके इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं तो हाल ही में ही गिनी एक देश है अभी ये देश कहाँ पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर साइड पे ये देश पड़ता है गिनी जिसके नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है अल्फा उल, ऑल्फा उनका नाम है और ये अभी हाल ही में बने है ऐसा बताया जाता है कि गिनी एक ऐसा देश है जो कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है उसको कि खतरनाक देश है महिलाओं के लिए ज़्यादा इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगीदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है ये जोगीदर कौन है तो जोगीदर एक सूबेदार हैं जिन्होंने क्या किया था कि उन्नीस में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी तो उनमें इन्होंने लड़ाई की थी है ना यहाँ से भारत के थे ये तो ये युद्ध जो स्मारक का उद्घाटन हुआ है वो अभी हाल ही में हुआ है कहाँ पे अरुण, अरुणाचल प्रदेश में ठीक है और नो ये ये सूबेदार थे सिख थे ये एक तरीके से ठीक है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ठीक है तो अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस जो है वो मनाया गया है इसमें क्या है कि ये एक जा, जाग जागरूकता के लिए भी डे मनाया जाता है कि अच्छी किस्म की जो मतलब खाद्य है उसका प्रयोग किया जाए जिससे अच्छी उत्पत्ति हो सिंचाई वगैरह बहुत अच्छी हो तो भारत ने क्या किया है कि एक लक्ष्य लिया है 2020 तक क्या करेगा वो ट्रांस फैट एक वह खाद्य पदार्थ मतलब ऐसा होता है पाया जाता है अम्ल होता है एक जिससे क्या होता है कि नुकसानदायी नहीं होता अच्छा होता है हृदय वगैरह के लिए तो इसलिए ऐसा मिशन लिया है कि वो लाएगा इस खाद्य में फैट इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को में स्थाई मंडल का प्रतिनिधित्व भारत ने किसे दिया है तो दोस्तों अभी जो ये जो स्थाई प्रतिनिधित्व मंडल का जो पद है वो विशाल वी शर्मा को दिया है भारत ने अब ये यूनेस्को क्या है एक संस्था है ठीक है है ना अमेरिकन संस्था है जो तो जिसके थ्रू क्या किया जाएगा कि ये जो प्रतिनिधित्व मंडल का जो पद है ना वो किस किस चीजों को देखता है तो ये शिक्षा विभाग को देखता है वैज्ञानिक तथा तो तो सांस्कृतिक जो भी भाग होते हैं संस्थाएं होती है उसको देखता है ठीक है ये पद जो है प्रतिनिधित्व मंडल का इसी के बाद क्वेश्चन है आईपीएल में सबसे तेज पांच हजार रन का रिकॉर्ड किसने बनाया है तो हाल ही में आईपीएल जो चल रहे है, 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 हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कौन है इनका नाम क्या है डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है डेविड वॉर्नर उन्होंने बनाया है और इसी के साथ ये कप्तान भी है कौन से सनराइज टीम है उसके कप्तान हैं तो इन्होंने जो खेला था तो पाँच हजार रन बनाए थे और इसके बाद में एक सौ पैंतीस पारियों को में इन्होंने ये रन बनाए हैं ठीक है तो ये फर्स्ट नंबर पे आए हैं इसके है, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो कौन है न्यूजीलैंड के भी प्रधानमंत्री जो चुने गए वो हैं जेसिडा अर्डन जो कि नए प्रधानमंत्री बने ठीक है कहाँ की न्यूजीलैंड के इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावी खर्च की सीमा बढ़ी है चुनावी खर्च यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो मतलब जो भारत है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि इस बार जो चुनाव पे खर्चा वगैरह किया जाता है ना तो वो कितना होगा तो दस प्रतिशत बढ़ाया गया लोकसभा का कि मतलब पहले जो था वो कितना था खर्च कितना था सत्तर लाख तक की सीमा रखी गई थी पर इस बार कितनी हुई है लोकसभा की कितनी हुई है सतहत्तर लाख सेवेंटी सेवन लैक्स और इसी के साथ ही विधानसभा की कितनी हुई है तीस तीस पॉइंट एट यानी कि तीस लाख अस्सी आठ हज़ार तक की सीमा रखी गई है तो इतना खर्च बढ़ाया गया है दस परसेंट की बढ़ोतरी की गई है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी चीन सागर की तेल खोज अभियान शुरू करने के करने की घोषणा की, की है तो कौन से देश ने की है तो फिलिपस देश है दोस्तों जिसने घोषणा की है दक्षिण सागर में क्या है तेल के बहुत बड़े भंडार हैं पर क्या है फिलिपस की और दक्षिणी चीन मतलब चीन की क्या हुई थी मुठभेड़ हो चुकी है तो 2014 हज़ार चौदह में आ, क्या किया था कि फ़िलीपस के राष्ट्रपति थे उसने ये मुठभेड़ को बंद कराया खोज वगैरह को पर अभी वापस फिलिपस ने क्या कराया कि दक्षिणी क्षेत्र में चीन के क्षेत्र में क्या करेगा वो आ, तेल वगैरह की खोज करेगा तो इसका समर्थन कौन दे रहा है कौन सा दे दे रहा है फिलीपस के साथ अमेरिका इसका समर्थन दे रहा है कि तू कर खोज ठीक है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों ये जो स्मृति दिवस मनाया गया है वो इक्कीस अक्टूबर को मनाया गया है है ना अब इसका कारण क्या है क्यों मनाया गया है तो उन्नीस में क्या हुआ था लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र यानी कि मतलब क्या हुआ था कि इधर क्या हुई थी लड़ाई हो गई थी भारत और चीन की सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हो गई थी तो उसी में क्या होता है 21 अक्टूबर उन्नीस में 10 शहीद क्या हो गए थे शहीद हो गए थे भारत के तो उसी समय से क्या हुआ था कि मतलब जो केंद्रीय राज्य पुलिस केंद्र था ना उसने क्या किया था कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मतलब रख दिया गया कि मनाया जाएगा शहीदों की याद में ठीक है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है केशुभाई पटेल का संबंध था केशुभाई पटेल जो कि क्या थे भारत के यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे मतलब दो बार ये मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं एक तो 1995 में एक 1998 में ये रह चुके हैं मुख्यमंत्री इसी के साथ इन्होंने राज्यसभा की जो सदस्य भी रह चुके हैं ये कौन केशु भाई और इनका जो मतलब उपनाम है ना वो क्या है इनको बप्पा के नाम से भी जाना जाता है गुजरात के मुख्यमंत्री ठीक है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक चीज और बताना चाहती हूं कि केशु भाई, भाई का अभी हाल ही में निधन हुआ है ठीक है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो डस्ट संकट क्या है तो दोस्तों ये येलो डस्ट जो है वो उत्तर कोरिया के इलाके में इतनी फैल रही है कि जिससे ना उत्तर कोरिया के मतलब ये आदेश दिया है संकेत दिया है कि वहाँ से लोग राष्ट्रपति ने कि वहाँ के वहाँ से लोग घरों से बाहर ना निकले और ये डस्ट कहाँ से फैल रही है संकट क्या है तो ये एक धूल है जो कि चीन के मंगोलिया क्षेत्र से फैल रही है और ये इतनी विषाखत पदार्थ है मतलब जहरीला पदार्थ है धूल है कि इससे श्वसन यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये फैल रही है एक तरीके से संकट बताया जा रहा है उधर के लोगों के लिए उत्तर कोरिया के लिए ठीक है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ओहा खादी बनाई जाती है तो दोस्तों किधर बनाई जा रही है ये खादी तो ये दक्षिणी मैक्सिको के ओहा क्षेत्र में ये खादी का जो बनाई जा रही है तो इसका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है है ना तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी मतलब महात्मा गांधी से प्रभावित होके यहाँ पर दक्षिणी मैक्सिको में मोरक्को ब्राउन और उनकी पत्नी पत्नी है कांतिंकी अतहरे अतहरे ने क्या हुआ कि खादी से प्रभाव होके ओहाक खादी से उन्होंने ये व्यापार शुरू किया और दक्षिणी मैक्सिको में ये जो व्यापार जब से शुरू हुआ है ना तो इसका बहुत बड़ा योगदान है वहाँ के क्षेत्र के लिए अच्छा कारोबार चल रहा है ठीक है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर पानी खोजने वाली वेधशाला का नाम क्या है तो ये जो पानी की खोज जो की है यानी कि नासा ने की है अमेरिका ने अमेरिका नासा अमेरिका में है तो अमेरिका नाम है अमेरिका की सोफिया ने एस ओ एफ आई ए ने खोज की है तो ये जो पानी की खोज हुई है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बताया जा रहा है प्रॉफिट है इससे कि चंद्रमा पे मतलब जो भी यात्रा अब करने वाले लोग हैं तो उनको इस पानी से क्या होगा ईंधन की प्राप्ति होगी एक तो और ये जो पानी है वो पाया कहाँ गया है तो चंद्रमा के जिस सामने मतलब सूर्य की जहाँ पर किरणें पड़ती उस समय उस जगह पर ये पानी पाया गया है ठीक है जिससे अब चंद्रमा पे मतलब ऐसा बता रहे हैं कि जीवन व्यापन कर सकते हैं ऐसा कुछ ऐसा बता रहे हैं इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पोलियो दिवस कब था तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व पोलियो डे जो था वो चौबीस अक्टूबर को विश्व पोलियो डे मनाया गया है तो सब इसमें एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पोलियो था वो मतलब भारत में एक समय पे था अब तो वो खत्म हो चुका है तो 27 मार्च 2014 को भारत में पोलियो जो कि समाप्त हो गया है ठीक है और ये जो पोलियो दिवस मनाया जाता है तो ये एक इसकी खासियत है कि ये जो डे है इस पर क्या हुआ था कि पोलियो का टीका को जिसने विकसित किया था उसका नाम क्या है जॉनस सॉल्क ने मतलब पोलियो का टीको बन टीका बनाया था तो उनके जन्मदिन पे, यानी कि चौबीस अक्टूबर को ये डे सेलिब मतलब रखा गया है तो अभी हाल ही में है जो कि सेलिब्रेट किया है कि जिससे क्या हो जागरूक हैं लोग और पोलियो जो कि हर देश से समाप्त हो जाए एक तरीके से बच्चों के लिए इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ली कुन ली कुन ही कौन थे तो ली कुन ही जो कि दोस्तों अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है अभी अक्टूबर में ही तो ये सैमसंग के यानी कि सैमसंग कंपनी के चेयरमैन थे है ना इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बड़ा व्यापार है इनका और इनका व्यापार जो कि मतलब जो उत्तरी कोरिया की साइड पे कोरियाई क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा सकल घरेलू जो कारोबार है उसका पांचवा हिस्सा है और ये बहुत बड़ी एक कंपनी है सैमसंग की जो कि स्मार्टफोन का निर्माण करती है निर्माता है और आपको पता ही होगा सैमसंग जो कि बहुत टॉप की कंपनी है और काफ़ी लंबे समय से काफ़ी पुरानी कंपनी है जो कि ठीक है और इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाल प्री किताब जीता है तो इस बार मतलब जो ये किताब जीता है वो किसने जीता है ब्रिटेन के कौन है ये लुइस हैमिल्टन ने ये किताब जीता है और ये जो किताब है इनका वो नाइन्टी टू यानी कि बार्मा किताब है ये इससे पहले भी ये किताब जीत चुके हैं और भारत में इन्होंने छः वर्ल्ड कप विश्व कप ये जीत चुके हैं तो ये इतने फेमस है कौन है ये लुइस हैमिल्टन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है तो हर साल क्या होती है कि इंडेक्स बनती है तो उसके अकॉर्डिंग जो भारत की जो रैंकिंग निकली 2020 की वो चौथा स्थान जो कि प्राप्त किया है है ना और फर्स्ट जो टॉप जो स्थान है वो अमेरिका का है ठीक है तो ये हमेशा निकलती है इस बार दक्षिणी कोरिया जो कि पीछे है ठीक है उसको पीछे छोड़ दिया है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया हाल ही में किसे वन्य जीव फोटोग्राफी 2020 का पुरस्कार मिला है तो हर बार ये निकलता है वन्य जीव संरक्षण की फोटोग्राफी करते हैं तो ऐश्वर्या श्रीधर जिनको मिला है इनको मिला है इस बार इसी के बाद ने में नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम ने यानी कि भारत के गुजरात के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल उद्घाटन किया है यानी कि हार्ट का दिल के जो हॉस्पिटल होता है उसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया है सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है उधर मतलब खुला है खुला है ऐसा इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि कानून को लागू न करने यानी कि खारिज कर दिया गया है करने वाला पहला राज्य है तो ये जो राज्य है वो है पंजाब जिसने ना मतलब कृषि का कोई कानून नहीं होगा खारिज कर दी थी ये बात हुई थी उधर मतलब उधर की कोर्ट में पर खारिज कर दिया और कोई कानून नहीं है कृषि व्यवस्था के लिए कृषि के लिए इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों ये जो डे मनाया जाता है हाल ही में मनाया गया है ट्वेंटी सेवन सत्ताईस अक्टूबर को ऑडियो विजुअल दिवस मनाया जाता है ठीक है ऑडियो की थ्री जो हम बात वगैरह करते हैं म्यूजिक वगैरह जो भी है तो सत्ताईस अक्टूबर थी ठीक है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे दिल्ली और जिला क्रिकेटर संघ का अध्यक्ष चुना गया है तो दोस्तों अभी ही ये जो आई पी की टीम्स मतलब जो ये मैच वगैरह चल रहे हैं तो उसमें अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो है रोहन जेटली को चुना गया है अध्यक्ष दिल्ली का भी और जिला क्रिकेटर का भी मतलब अध्यक्ष इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटली की क्या है आत्मकथा का नाम क्या है बुक का देह विचवा को किसने जारी किया है तो दोस्तों ये जो देह मतलब आत्मकथा है जिसको भारत के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी, जारी किया है नरेंद्र मोदी जी ने ठीक है इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बैंक ने किस देश में परिचालन बंद कर दिया है तो मतलब कि वहाँ से मतलब कुछ भी नहीं होगा मतलब पैसे वगैरह का जो आयात निर्यात जो भी होता है ना कनेक्शन वो बंद कर दिया तो कौन सा देश है वो श्रीलंका जिससे आई बैंक ने बंद कर दिया है परिचालन इसी के साथ दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं थर्ड और फोर्थ वीक के ये कंप्लीट हो चुके हैं तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू